खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में, आपके साथ दीपक। आजकल चारों तरफ टिकटॉक का क्रेज है, जिसे देखो वो अपना टिकटॉक बना रहा है। ऐसे में इंडिया टाइम 24 न्यूज ने कुछ टीनेजर से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि वो टिकटॉक में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं जनकपुरी के दिल्ली हाट में, जहां कुछ टीनेजर से बातचीत कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो टिकटॉक में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। फिल्मी गानों और डायलॉग्स पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते इन बच्चों को देखिए। कोई सलमान खान की तरह दबंग स्टाइल में चल रहा है, तो कोई शाहरुख की तरह लड़की को प्रपोज कर रहा है। कहीं डांस का पागलपन नजर आ रहा है, तो कहीं डायलॉग्स का फितूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। और आज हम पहुंचे हैं जनकपुर में स्थित दिल्ली हाट में, और मेरे पीछे दाएं बाएं आपको जो माहौल आज हम दिखाने वाले हैं वो आप देखें कि किस तरह से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं। और यहाँ आज हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, कुछ बच्चों से हम कुछ युवाओं से समझेंगे कि क्यों वो टिकटॉक में इतना इंटरेस्ट लेते हैं और आगे फ्यूचर प्लानिंग उनकी क्या है और टिकटॉक को लेकर उनका जो है नज़रिया क्या है। इन दिनों टिकटॉक का खुमार हर किसी के सर चढ़ कर बोल रहा है। पब्लिक प्लेस हो या घनी वादियाँ, खुला मैदान हो या टूरिस्ट प्लेस, हर जगह टिकटॉक के शौकीन अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं। आखिरकार टिकटॉक की दीवानगी टीनेजर्स के इतनी सर चढ़कर क्यों बोल रही है, इसकी वजह समझने के लिए हम जनकपुरी के दिल्ली हाट पहुंचे और हमने वहां मौजूद लोगों से उनके टिकटॉक को लेकर क्रेज को समझने की कोशिश की। तो इस वक्त जनकपुरी में दिल्ली हाट में हम बने हुए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे पहुंचे हुए हैं। संडे का दिन है आज और हर कोई टिकटॉक पे शूट कर रहा है। कुछ लोगों से हम बात करें, आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित, टिकटॉक बनाते हैं आप? हाँ सर। कितने फॉलोअर्स हैं? 22,100। अच्छा, टिकटॉक में इतना इंटरेस्ट क्यों है आप? हमें अच्छा लगता है और हमें एक्टर बनना है, बस ऐसे अच्छा लगता है, एक्टर बनना चाहते हैं, बचपन से ही शौक था। अच्छा, बस वही फन एंटरटेनमेंट के लिए, और एक्टर तो सबको ही पसंद है, हमको भी एक्टर पसंद है और हमें भी एक्टर बनना है, सर ये शौक है हमारा। अच्छा, तो और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कैसे मिली टिकटॉक बनाने? ये हमारे दोस्त बनाते रहते थे, फेमस हो चुके हैं। अच्छा, मैं भी सोचता हूँ। कौन सी क्लास? 9th क्लास। 9th क्लास में, तो कब से बना रहे टिकटॉक? ये मेरे को हो गए 4 महीने। देखा वीडियो वगैरह बहुत अच्छी बनती है, फ्रेंडों के साथ आते हैं, एंजॉय भी होता है, बढ़िया अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के फेमस हो सकते हो, इस बात और कुछ नहीं इस प्लेटफॉर्म में। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं तो शुरू से एक्टर बनना चाहता था, आई एम बिग फैन ऑफ सलमान खान, और उसके वजह से मैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को टिकटॉक बनाना। जैसे सिंह साहब हो गए, हिंदू भाइयों के साथ में मैं कहना मैसेज देना चाहता हूँ, अच्छे मतलब वीडियो बनाता हूँ कि एकता के साथ। क्या मैसेज देते हैं आप? मैं वीडियो में जैसे मान लो एक हमारे कुछ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है, जो वो ये लोग ये करते कि ये मुस्लिम है मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये हिंदू मैं इससे बात नहीं करूँगा। मैं अपनी वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, यह सिख है या मुसलमान हूँ, हम एक भाई हैं। बहुत मज़ा आता है, इंजॉय भी हो जाता है, मतलब मज़ा आता है काफ़ी। यही बनाते हो कहीं और भी अलग अलग जगह? यहाँ ज़्यादा आते हैं, मतलब कहीं और ज़्यादा नहीं जाते। टिकटॉक स्टार में सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है? टिकटॉक स्टार में मेरे को सब फेमस सारे। अच्छा अच्छा, तो चारों तरफ थोड़ा अंधेरा हो गया है और आप देख सकते हैं किस तरह की चहल पहल है पूरे दिल्ली हाट में। इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी एक बार बात करेंगे चल के। हालांकि शाम का वक्त है, लोग थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन संडे को अगर दिन में आप आएंगे 5 से 6 बजे करीब, तो आपको यहाँ ज़्यादा लोग मिलेंगे। टिकटॉक बना रहे हैं भाई साहब? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? आशीष। सर मैं देख रहा हूँ ड्रेस आप सबने एक जैसी पहनी हुई है, इसका क्या रीज़न? सर यही है कि वीडियो वायरल करने के लिए, हमारे सर ये है मतलब मेन पब्लिक को इम्प्रेस करने के। पूरा दिल्ली हाट 10 से 20 वर्ष तक की उम्र के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ था। न समय की परवाह, न पढ़ाई की चिंता, सिर्फ टिकटॉक का जुनून। जब हमने टिकटॉक को लेकर बच्चों के मन को टटोलने की कोशिश की, तो ज्यादातर की जुबां पर बस एक ही अल्फाज था कि मैं भी फेमस होना चाहता हूँ। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भाईचारे का संदेश देने के लिए टिकटॉक के संसार में प्रवेश किया था। आपका क्या नाम है? आप नाम क्या है? काजल। काजल, कब से टिकटॉक बना रहे हैं? 1 ईयर से ज्यादा। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट क्यों आया आपको, किस कैसे इंस्पायर हुए? जैसे कि यादें होती है ना, उसको संजो कर रखना। टिकटॉक में ज्यादा मजा आता है, जॉब करने में ज्यादा मजा दौड़ना करता हूँ टिकटॉक पे, ये होता है कॉमेडी अपनी हो जाती है, यहाँ पे टाइम पास हो जाता है, जॉब से ज्यादा करके माइंड फ्री होने के लिए टिकटॉक पे वीडियो बना लेता हूँ, आगे संडे फ्री हो जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? यश। टिकटॉक बनाते हो आप? हाँ। फॉलोअर्स कितने हैं? 12,000। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। अच्छा ये बताओ, टिकटॉक बनाने में ज्यादा मजा आता है, पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आता है?
टिकटॉक। अभी वीक भी नहीं हुआ मुश्किल से, अभी तो हमारे 100 कुछ फॉलोअर्स हैं। अभी शुरू किया है। हाँ, 4 वीडियोस हैं ओनली। किसको देख के आप इंस्पायर हुए हैं टिकटॉक बनाने? फ्रेंड्स को देख के। आपको बता दें, शुरुआती दौर में टिकटॉक ने भारत में युवाओं पर ऐसा असर दिखाया था कि भारत सरकार ने इस चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाने का मन बना लिया था, लेकिन देश के युवा के रोष के आगे सरकार को नरमी दिखानी पड़ी। टिकटॉक की बढ़ती लोकप्रियता और बच्चों में इसके जुनून से दिल्ली हाट प्रशासन भी मुश्किल में आ गया है। कैसे, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने दिल्ली हाट प्रशासन से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि बच्चों की बढ़ती भीड़ दिल्ली हाट प्रशासन के सामने किस तरह से चुनौतियां हैं। चला देखिए। दिल्ली हाट में हर रोज हजारों की संख्या में टीनेजर्स और बच्चे वीडियो शूट करने के लिए पहुंचते हैं। युवाओं के सैलाब को मैनेज करने के लिए दिल्ली हाट भी अपनी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त रखता है, इस पर हमने दिल्ली हाट के ऑफिसर सतीश से बात की। आइए सुनते हैं। हाँ, सैटरडे संडे के अंदर वीकेंड के जो है सबसे ज़्यादा माहौल यहाँ रहता है, और टिकटॉक का सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है, और उसके अलावा शो भी चलते रहते हैं यहाँ पे हमारे एमपी थिएटर में, ऑडिटोरियम के अंदर, एक्सपोजिशन हॉल के अंदर। लेकिन जो टिकटॉक का मेन ज़्यादा थीम ट्विटर लेती है, इसके एक्सपेक्टेड हम 4,000 के आसपास पर्सन लगभग, कभी इतने लोग सैटरडे एक बंदे में एंट्री कर जाते हैं, और जो यहाँ पे टिकटॉक के लिए पॉपुलरिटी है, टिकटॉक के लिए काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये प्रॉब्लम हमारा। आपको बता दें, बीते दिनों कुछ ऐसे भी मामले सामने आए थे जब युवा टिकटॉक पर वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। कुछ लोग रिस्की शूट भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज के युवा को एक बात समझनी चाहिए कि हर चीज लिमिट में अच्छी होती है। तो आपने देखा कि कैसे टिकटॉक के दीवानों की महफिल हर रोज यहाँ दिल्ली हाट पर लगती है। हमारे देश में टिकटॉक का क्रेज इतना ज्यादा है कि ऐसी महफिल आपको सिर्फ दिल्ली हाट में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। अगर आप भी टिकटॉक बनाते हैं तो इसके साथ ही आपको अपनी स्टडी और जिम्मेदारियों को जरूर समझना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।